पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर एक में शनिवार सुबह हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी पति द्वारा पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना पीथमपुर के जोशी मोहल्ले की है। वहीं हत्या कर पति मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा टीम गठित कर सघन जांच में आरोपी पति को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र में कल हुई महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के पति पप्पू देवड़े निवासी खारीपुरा को देर रात गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी तारे सोनी ने बताया कि पप्पू देवड़े ने अपनी पति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। पप्पू को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर है। इस बात पर आए दिन झगड़ा होता था। हत्या के बाद आरोपी पप्पू मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने खारीपुरा से गिरफ्तार कर धार कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। महिला 27 वर्ष की थी, उसकी हत्या उसके पति द्वारा की गई थी और उस मामले में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हत्या करने वाला आरोपी है पप्पू देवड़े खारीपुरा बलू फाटा के पास का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या कारण निकला सब हत्या का? पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी, उस चरित्र शंका के कारण उसने उसकी हत्या की। आपका नाम बताइए। मैं तारेश कुमार सोनी, टीआई सेक्टर का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।